हेलो भाई। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको आज की इस वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो है इंस्टाग्राम पर खुद की रील्स वीडियो कैसे बना सकते हैं, जो 15 सेकेंड 30 सेकेंड का जो है सो रील्स वीडियो होते हैं, जिसमें आप अपने कैमरे का यूज करके जो है रील्स वीडियो बनाते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई फोटो वगैरह है तो उस पर जो है गाना सेट कर जो है रील्स वीडियो बनाते हैं। तो इस प्रकार की वीडियो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बना सकते हैं, उस पर फिल्टर कैसे ऐड कर सकते हैं, उस वीडियो को एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, सारी चीज हम आपको इंस्टाग्राम पर ही बताने वाले हैं। किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड आपको करना नहीं पड़ेगा, कैसे पब्लिश करनी है सारी चीज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फाइनली चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं कि रील्स वीडियो आप कैसे बना सकते हैं इंस्टाग्राम का यूज करके। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं इंस्टाग्राम के होम स्क्रीन पे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप जो है सो इंस्टाग्राम पर खुद का रील्स वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो रील्स वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्लस का ऑप्शन, एक ऑप्शन आपको ऊपर में मिलेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं योर स्टोरी, यानी यहाँ से जो सो आप अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं। रील्स बनाने के लिए आपको यहाँ इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो अब जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा पोस्ट, स्टोरी और रील्स। तो रील्स बनाने के लिए आपको रील्स पे क्लिक कर देनी है। रील्स पर जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम पर देखे होंगे कि बहुत रील्स वीडियो ऐसी होती हैं जो गाना होता है और गाने के अंदर में जो है सो एक फ़ोटो सेट होती हैं। जैसे आप अपने खुद की फ़ोटो पर कोई गाना लगा कर रील्स वीडियो बना सकते हैं, या फिर अगर आप लाइव बनाना चाहते हैं कैमरे का यूज करके तो ऊपर में कैमरे का ऑप्शन मिलेगा, कैमरे से आप अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं। तो प्रोसेस सेम ही है, अगर आप गैलरी से पुराने फ़ोटो पर बनाना चाहते हैं या फिर पुराने वीडियो पर तो उस पर भी बना सकते हैं, अगर आप कैमरे का यूज करके बनाना चाहते हैं तो कैमरे का यूज करके भी बना सकते हैं। तो ऊपर में आपको कैमरे का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करोगे तो देख सकते हैं हमारा कैमरा ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा, म्यूजिक आपको सेट कर लेनी है, कौन सी म्यूजिक आप अपने रील्स वीडियो में लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको म्यूजिक पे क्लिक कर देनी है, बहुत सारे म्यूजिक आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कोई सा भी म्यूजिक रखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए, या नहीं तो ऊपर में आप सर्च कर सकते हैं। तो हम इसी में से कोई भी वीडियो पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने जो है सो एक म्यूजिक आ चुके हैं। तो यह पूरा एक बार प्ले हो जाते हैं, उसके बाद जो है सो ऊपर में आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्चिंग ले रहा है, और सर्चिंग लेने के बाद जो है सो यह सॉन्ग जो है सो यहाँ पर सेट हो जाएगा। सॉन्ग को सेट होने के बाद जैसे ही आप कैमरे पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है सो यह म्यूजिक ऊपर में सेट हो चुका है। अगर आप इसमें कोई फिल्टर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत सारे फिल्टर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से किसी भी फिल्टर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से आप फिल्टर चेंज कर सकते हैं, DSLR Pro, बहुत सारे फिल्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिल्टर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिल्टर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कितने समय का रील बनाना चाहते हैं, 15 सेकेंड हो गया, 60 सेकेंड हो गया, 90 सेकेंड। तो आप जितने सेकेंड का बनाना चाहते हैं उतने उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है सो आपको वीडियो आपका जो रील्स होने वाला है उसका स्पीड क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 1x जो नॉर्मल स्पीड है, उसके बाद 2x, 3x। तो आप अगर नॉर्मल स्पीड रखना चाहते हैं तो जो है सो 1x पे क्लिक कर दीजिए, अगर डबल स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो 2x पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेम का ऑप्शन है, बहुत सारे फ्रेम भी मिल जाएगा तो फ्रेम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कोई सा भी फ्रेम का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, गाना तो आपका सेट हो ही गया है, अब आपको जो है सो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो गाना प्ले हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको भी उस गाने का, जैसे अगर आप डांस करना चाहते हैं, फेस रिएक्शन देना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारा चालू हो चुका है, लेकिन गाना का आवाज़ आपको इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमारा जो है सो यूट्यूब का वीडियो भी अभी रिकॉर्ड हो रहा है जिसे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसीलिए आपको गाना सुनाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुका है। अब आप इसमें कोई सा भी एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देख सकते हैं वीडियो के नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट वीडियो, तो आपको एडिट वीडियो पर क्लिक कर देना है।
यहाँ से जो है सो आप इस वीडियो को एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए जो है सो आपको यहाँ पर नीचे में कुछ ऑप्शन मिलेगा, तो देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन है, कैंची का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करके जो है सो आप इस ये जो आपका वीडियो बना है इसमें से अगर कुछ पार्ट आप रिमूव करना चाहते हैं जैसे इस प्रकार से लास्ट में से थोड़ा सा, तो इस प्रकार से जो है सो रिमूव कर सकते हैं। जो आप चाहोगे इसका स्पीड अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक करके जो है सो इसका स्पीड इधर करोगे तो बढ़ेगा, इधर करोगे तो घटेगा। तो हम स्पीड इसका नहीं घटाने बढ़ाने वाले हैं, तो अब इसको जो है सो हम 1x पे सेट कर देते हैं। 1x इसका नॉर्मल स्पीड होता है, तो सेट करने के बाद सही पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो है सो इसमें अगर आप कुछ और क्लिप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड क्लिप पर क्लिक करके फिर से आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, और भी इसमें वीडियो ऐड कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐप टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट पे क्लिक करके जो है सो देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर जो है सो आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर में आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसका कलर रेड ब्लैक जो भी रखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। डन पे क्लिक करके यह सेव हो जाएगा। उसके बाद जो है सो आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं टेक्स्ट टू स्पीच, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसमें जो है सो कोई आवाज़ अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से जो है सो देकर डन पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम इसमें कोई सा भी आवाज़ नहीं देने वाले हैं। उसके बाद हम बैक कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टिकर का ऑप्शन मिल जाता है, स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टिकर आप इसमें जो है सो ऐड करना चाहते हैं वो स्टिकर जो है सो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जो है सो आप स्टिकर अपने रील्स में ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं स्टिकर का लेयर हमारा ये वाला है। उसके बाद जो हमने टेक्स्ट लिखा था, टेक्स्ट का लेयर ये है, तो अगर आप उसको रिमूव बाद में करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके जो डिस्कार्ड का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो यह रिमूव भी हो जाता है। इस प्रकार से जो है सो आप अपने रील्स में का जो है सो एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग करने के बाद जो है सो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा राइट ए कैप्शन, तो यहाँ पर क्लिक करके जो है सो आप इस वीडियो का कैप्शन लिख सकते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के नीचे हमारा वीडियो का जो कौन किस प्रकार का वीडियो है वो हमने लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से जो है सो आप भी इस वीडियो के बारे में लिख सकते हैं। वो आपको लिखने के बाद जो है सो क्या करना है, आपको नीचे में भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, देख सकते हैं यह वीडियो किस तारीख को आपने शूट किया है, इसका लोकेशन क्या है। उसके बाद ऐड टॉपिक्स यानी हैशटैग इसमें लगाना है, टैग लगाना है, तो सारी चीज़ आपको यहाँ से टैग लग सकते हैं। जैसे टैग छोटा छोटा कीवर्ड जो होते हैं वो सब आप यहाँ से लगा सकते हैं। इस वीडियो ये जो हमारा वीडियो अभी बना है इसको अगर आप फेसबुक पर भी पब्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं शेयर टू फेसबुक है, इस पर आप क्लिक करके इसको ऑन कर दोगे तो यह जो है सो आपके फेसबुक पर भी ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। तो सारा कुछ करने के बाद जो है सो आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा शेयर, तो आपको इस पर शेयर पे आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यह वीडियो जो है सो देख सकते हैं शेयरिंग टू रील्स, यानी यह जो रील है हमारा शेयर हो रहा है। तो कुछ देर के बाद जो है सो आपका यह रील शेयर हो जाएगा, क्योंकि रील को शेयर होने में जो है सो आपको MB लगता है, जितना आपका नेट का स्पीड पकड़ेगा उस हिसाब से जो है सो आपकी रील्स वीडियो शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह वीडियो बज भी रहा है, इसमें गाना भी सुनाई दे रहा है, इसमें हमने फिल्टर ऐड किया था वो फिल्टर भी जो है सो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है सो आप इंस्टाग्राम पर अपनी खुद की रील्स वीडियो बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।